अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे कीमा समोसा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही आसानी से हम इस घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। कीमे का पानी खुश्क होने तक ऐसे ही पका लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर कीमे का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजीली हम कीमे के समोसे घर पर ही बना सकते हैं, तो आप भी स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें। यहाँ पर मैंने सूखे मसालों में एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। सारे सूखे मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम एक कप जितने मटर डालेंगे। 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप जितना मैंने यहाँ पर पानी लिया है। कीमा और मटर को हमने ढक कर के 5 से 10 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट हो चुके हैं अभी। तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसको फ्लेम को बंद करके इसको साइड पर रख देंगे। अभी मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है, इसमें हम 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच मैदा डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें अभी हम समोसा पट्टी लेंगे। ये मैंने बाज़ार से लिए हैं। अगर आपको घर पर बनाने हो तो आप मेरे चैनल पर वीडियो बना के डाली है समोसा पट्टी की, उस पर जाकर देखें। तो इस तरह से हम इससे बीच से कट कर लेंगे और इस तरह से इनको फोल्ड करके एक एक चम्मच हम इसमें कीमा डालेंगे। इसको अच्छे से अंदर प्रेस कर लेना है और फिर हमने यहाँ पर इस तरह से इस गोल को लगा कर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं। इस तरह से हम डालकर स्टफिंग को इस तरह से फोल्ड कर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी हम इसमें 2 या 4 डालकर इस तरह से समोसों को फ्राई कर लेंगे। एक एक मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर इसको पलट लेंगे। तो ये अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस तरह का कलर आना चाहिए। हमने इनको हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये तो आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के समोसे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द हम घर पर ही आलू प्याज के समोसे बना सकते हैं। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समोसे की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और 2 चम्मच तेल डाल दिया है। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं। प्याज को हमने इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। प्याज को भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी इसी में हम 1 बड़ा साइज़ का आलू डाल देंगे। आलू को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आलू और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अभी हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे।
आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो पिंच जितनी हल्दी डाली है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और सारे सूखे मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ते को कट कर कर इस तरह से डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच जितना पानी लिया है और 2 चम्मच मैदा डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो ये अभी तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ले लिए हैं और अभी हम इसको समोसे बनाएंगे। तो हम इस तरह से समोसा पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 1 चम्मच जितनी हम इसमें स्टफिंग डालकर इसको फिल कर लेंगे। जो हमने घोल तैयार किया है वो इस तरह से समोसा पट्टी पर लगाकर इसको फोल्ड कर लेंगे। एक एक कर इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। समोसा पट्टी की वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देखें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। तो इसी तरह से सारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह से हम 2-2 डालकर समोसों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हम घर पर ही समोसे बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें, आप भी बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कैसी लगती है मेरी रेसिपीज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से पलटकर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइडों से। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। सारे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं आलू और प्याज के समोसे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस तरह से बनाकर देखें, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही आसानी से हम घर पर ही समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।